मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हो यहाँ पर टेक सीजर। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं हमारे Realme GT Note 2 का यहाँ पर, जो कि जियो का ट्रू 5G टेस्ट। और हमारे फोन में जियो का सिम लगा हुआ है। अगर आप भी यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं यूज़, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आप GT Note 2 को अपने रियलमी UI 4.0 का लेटेस्ट अपडेट कर लीजिए और आपका यहाँ पर अच्छा चलेगा, ठीक है। और मैं ऐसे तो जियो ट्रू 5G का सेटिंग्स वीडियो डाल चुका हूँ, आप जाके मेरे चैनल पर चेकआउट करके आगे यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में यहाँ पर Realme GT Note 2 का यहाँ पर जियो ट्रू 5G स्पीड टेस्ट करेंगे और बताएंगे कैसा चल रहा है। डाउनलोड स्पीड भी चेक करेंगे, अपलोड स्पीड भी, और नेटवर्क कॉलिंग में बता दूंगा कैसा है, ठीक है। और जो वीडियो शूट हो रहा है यहाँ पर विलेज एरिया में है, तो विलेज एरिया में यहाँ पर जियो का ट्रू 5G आ गया है, तो वीडियो में बने रहना। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे Realme GT Note 2 में यहाँ पर Realme और मतलब GT Note 2 फोन में जियो का ट्रू 5G लगा हुआ है, जो कि सिंगल सिम के साथ। और हम यहाँ पे टेस्ट का यहाँ पर बिगेन करेंगे, और जैसे कि स्पीड में यहाँ पे दिखा सकूँ तो ये यहाँ पर रूरल एरिया का यहाँ पर ये स्पीड है, यानी कि विलेज एरिया का गाइस, क्योंकि मैं अभी अपने गाँव में हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हैं गाइस काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहा है जियो का ट्रू 5G, ठीक है। मेरे को एयरटेल से गाइस इसका स्पीड अच्छा लगा, और जो रियलमी GT Note 2 का परफॉर्मेंस है वो भी मेरे को कोई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं लगा। अगर आप डुअल सिम यूज़ करेंगे तो आपको स्पीड थोड़ा सा स्लो मिलेगा, लेकिन सिंगल सिम यूज़ करेंगे या सिम वन में या सिम टू में तो थोड़ा सा गाइस आपको ज़्यादा स्पीड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और हम गाइस यहाँ पर आपके लिए मतलब एक बार और टेस्ट को यहाँ पर रेडी रखते हैं, मतलब क्योंकि 2-3 स्पीड होना चाहिए टेस्ट, अभी गाइस यहाँ पर एवरेज स्पीड पता चलता है, ठीक है। तो ये जो स्पीड है MBPS में बता रहा है, अगर हम MB में इसको कन्वर्ट करेंगे तो अगर आप इसको 8 से डिवाइड कर दीजिएगा तो गाइस यहाँ पर आपको रिजल्ट आएगा, यानी कि 40-45 MBPS इसका स्पीड है, ठीक है। और मेरे को इसका स्पीड गाइस यहाँ पर अच्छा लगा, ठीक है। तो कोई गाइस यहाँ पर प्रॉब्लम देने के लिए नहीं मिलता है। और हम गाइस यहाँ पर आगे चलते हैं आपको प्ले स्टोर पर। तो गाइस आपने देखा कि गाइस हमने यहाँ पर जो Realme GT Note 2 में है जियो ट्रू 5G यहाँ पर गाइस यहाँ पर पुट करके गाइस यहाँ पर हमने टेस्ट कर दिया है, और जो स्पीड है आपको दिखाई पड़ गया होगा, दो बार हमने टेस्ट किया, दोनों बार एवरेज स्पीड गाइस यहाँ पर 300 MBPS पड़ा, यानी कि 30 MB अगर आप डाउनलोड करिएगा तो आपको स्पीड देगा। तो आपने देखा और काफ़ी बढ़िया चल रहा है। अगर आपके फ़ोन में जियो ट्रू 5G नहीं चल रहा या कोई भी सिम, तो आप गाइस यहाँ पर कमेंट करके गाइस यहाँ पर सोल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि मैं आपको जियो का ट्रू 5G स्पीड टेस्ट दिखा दिया, अब गाइस यहाँ पर हम करेंगे डाउनलोड, मतलब कि प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करेंगे गाइस यहाँ पर कितने सेकंड में 500-600 MB का गाइस यहाँ पर ऐप हो जो डाउनलोड कर लेता है, ठीक है। और वही बात करूँ कॉलिंग की, तो गाइस अभी कॉलिंग में जियो 5G में कोई भी दिक्कत नहीं है, एयरटेल 5G में दिक्कत है क्योंकि उसका 4G नेटवर्क है, तो उससे गाइस दिक्कत चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जियो ट्रू 5G में गाइस यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना कॉलिंग में ना डेटा में। हाँ, अभी अगर आपके एरिया में नया नया सिम आया है जियो का ट्रू 5G नेटवर्क, अगर आपका GT Note 2 फोन है तो प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि कंपनी अभी स्टेबल मतलब नेटवर्क नहीं दे रही, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए हम गाइस यहाँ पर ट्रेड करते हैं इसका प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके कितना गाइस यहाँ पर सेकंड में डाउनलोड करके देता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हम प्ले स्टोर पर आ गए हैं, और हम स्पीड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं गाइस यहाँ पर कितना सेकेंड में गाइस यहाँ पर ये जो कि जियो ट्रू 5G Realme GT Note 2 में गाइस यहाँ पर ये लेता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने एक जो ऐप 598 MB का यहाँ पर किया है इंस्टॉल, और अभी 747 हो रहा है, और गाइस यहाँ पर मेरे को लगता है कि 1 मिनट से भी कम में गाइस यहाँ पर स्पीड ये मतलब डाउनलोड करके दे देगा। और आप ऊपर देख सकते हैं स्पीड 30+ MBPS जा रहा है, जैसे मैं आपको बोला था कि इसका स्पीड 40 MBPS तक जाता है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी फास्ट यहाँ पर, जो कि देख सकते हैं गाइस यहाँ पर स्क्रीन पर अभी थोड़ा सा गाइस यहाँ पर स्पीड स्लो हो चुका है, लेकिन सही में गाइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही आपको जियो ट्रू 5G फास्ट मिलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर गाइस यहाँ पर 1 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करके आपको जो कि ये ऐप था प्ले स्टोर पर दे दिया, और हमने यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। आपने देखा कि गाइस यहाँ पर Realme GT Note 2 का यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपने, जो कि बात करें नेटवर्क 5G में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा मतलब 5G चाहिए तो आप अपने फ़ोन को लेटेस्ट अपडेट करिए 1.07 अपडेट पे या 1.05 अपडेट पे, यहाँ पर सही में काफ़ी अच्छा आपका जो Realme GT Note 2 है या कोई भी फ़ोन है Realme का परफॉर्मेंस अच्छा देगा ही नेटवर्क मामले में, ठीक है। और रही बात करूँ एयरटेल और से जियो ट्रू 5G, तो इसका भी यहाँ पर वीडियो आने वाला है, आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।